हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे, अपना प्रोफाइल बनाएंगे और आपको नए जॉब का नोटिफिकेशन कैसे आता रहेगा, साथ ही आप जॉब सर्च कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं और आप कोई ऐसा ऑनलाइन जॉब पोर्टल या वेबसाइट ढूंढ रहे हैं जिस पर आप रजिस्टर करके अपने लिए नई जॉब सर्च कर सकें या अपने लिए जॉब खोज सकें। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को क्लिक करके बिल्कुल सही काम किया है और आप सही जगह पे आए हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आपके मकसद में ये वीडियो जरूर मदद करेगी। आजकल इंटरनेट का जमाना है और हम इसे हर काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो जॉब सर्च करने के लिए या चेंज करने के लिए भी हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम जॉब पोर्टल पे यानी कि जॉब वेबसाइट पे जाकर खुद को रजिस्टर करें और वहां अपना प्रोफाइल बनाएं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारे एम्प्लॉयर अपने एडवर्टीजमेंट को इसी जॉब पोर्टल्स पे एडवर्टाइज करते हैं, जहां पे मतलब पता चलता है कि कौन सा जॉब किस कंपनी में अवेलेबल है। साथ ही वहीं पे जाकर वे कभी कभी जो है रिज्यूमर्स को सर्च करते हैं जो पहले से रिज्यूमे अपलोडेड होते हैं। कंसल्टेंट जो हैं, जो कि दूसरी कंपनियों में एम्प्लॉयज़ को सप्लाई करते हैं, कैंडिडेट्स को भेजते हैं, वो भी जाकर इन्हीं जॉब पोर्टल्स पे अपना जो है सर्च करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट्स की उनके जॉब प्रोफाइल से जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच करके। तो आपका इन जॉब पोर्टल्स पे अपने आप को रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका रिज्यूमे विजिबल रहेगा। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आप भी फ्री अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने रिज्यूमे को फ्री अपलोड करते हैं और फ्री उसमें अपडेट करते हैं, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता। इसके साथ ही जो एम्प्लॉयर है उनके लिए भी जब वो जॉब पोस्ट करते हैं तो उनको भी बहुत सस्ता पड़ता है दूसरे माध्यम से। और दूसरी चीज़ ये है कि एक एम्प्लॉयर कहीं भी बैठकर जब एक किसी जॉब पोर्टल पे अपना एड देता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसका एड अक्रॉस द कंट्री विजिबल हो जाता है। और अगर जॉब पोर्टल इंटरनेशनल हो तो उसका इंटरनेशनल लेवल तक जो है इसमें जॉब विजिबिलिटी हो जाती है और ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी, और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि उसको अच्छे कैंडिडेट्स मिल सके। तो इसलिए आपको भी आज के युग में जॉब पोर्टल पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, अपना रिज्यूमे अपलोड करना होगा, प्रोफाइल बनाना होगा और उसमें लगातार अपडेट्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको ये जॉब पोर्टल्स लगातार जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव जो चलती हैं कंपनीज की, उसके बारे में आपके मोबाइल पर और ईमेल पर नोटिफिकेशन भेजते हैं, जिससे आपको इसकी जानकारी मिलती रहती है और आप उन ड्राइव्स में भी अप्लाई करके अपने लिए एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज जिस पोर्टल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस पोर्टल का नाम है mosterindia.com। दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल वेबसाइट है और बिल्कुल जेन्युइन है। इस पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि यह 40 मुल्कों में देखा जाता है। लोग इसमें 40 मुल्कों से अपने जो रिज्यूमे हैं वो अपलोड करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, साथ ही इतने ही मुल्कों से लोग जो हैं इसमें जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं, यानी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो आपको 40 मुल्कों के जो ऐड हैं, जो जॉब अवेलेबिलिटी है, उसकी जानकारी मिलती है और आपके लिए इसको बढ़ जाता है कि आप अपने लिए कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हैं और किसी भी 40 मुल्कों में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो जॉब प्रोफाइल और जॉब डिस्क्रिप्शन मैच करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि mosterindia.com एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, साथ ही एक लीडिंग वेबसाइट है। 2001 में ये इंडिया में भी लॉन्च हुआ और इसका हेड ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है।
इसके अलावा ये भारत के 10 इम्पॉर्टेंट सिटीज में से भी ऑपरेट करता है, यानी कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर इत्यादि। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये कितना जेन्युइन वेबसाइट है और इस पे आपकी अपॉर्चुनिटी टू फाइंड जॉब कितनी बढ़ जाती है, आपकी विजिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप इस पर अपने आप को रजिस्टर करें, अपना रिज्यूमे अपलोड करें, प्रोफाइल बनाएं और इस वेबसाइट पे अपना जॉब सर्च करें। इस पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आपको किसी भी जॉब के रजिस्ट्रेशन के लिए या इंटरव्यू के कॉल के लिए कोई पैसा नहीं देना है। ये आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इस पे अभी 300 मिलियन लोगों जो हैं इस पर रजिस्टर्ड हैं, तो आप भी इसका लाभ उठाएं। तो मैं अब आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर मिस्टर नितिन हमारे कलीग जो रजिस्ट्रेशन कराने के और बताने के एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके कि कैसे आप mosterindia.com पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, कैसे अपना प्रोफाइल बनाएंगे, कैसे रिज्यूमे अपलोड करेंगे, आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा और जब कोई ड्राइव आएगी, यानी कि कभी जॉब ड्राइव आएगी किसी कंपनी की, रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो आप उस पर अपने आप को कैसे सर्च करके और कैसे उसमें अपने आप को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम बात करेंगे mosterindia.com जो कि जॉब पोर्टल है, उसके बारे में कि उसमें हम कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करें, कैसे प्रोफाइल बनाएं, कैसे रिज्यूम अपडेट करें, कैसे प्रोफाइल अपडेट करें और कैसे जॉब सर्च करें और कैसे अप्लाई करें। तो आइए चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र पे। ये हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। अब हम एड्रेस बार में डालेंगे क्या नाम है, mosterindia.com डालते हैं, mosterindia.com। तो स्पेलिंग आप नोट कर लीजिएगा, mosterindia.com। और ये एक साइट जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ये करीब 1 लाख जॉब्स यहाँ पे है, फाइंड बेटर एंड फास्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, वॉक इन जॉब, यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी मिलती हैं और यहाँ पे आप आएंगे तो एम्प्लॉय चूज, ये सारी कुछ कंपनीज दी गई हैं जहाँ पे इन्होंने क्या नाम है इनको जॉब दिलाई हुई हैं यहाँ पे जॉब सीकर्स को। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जॉब्स की टॉप जो स्किल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग स्किल्स, एनालिटिक, एनिमेशन, आर्किटेक्चर जॉब्स, बैंकिंग, बीपीओ, तो यहाँ पे कुछ टॉप स्किल्स दिए गए हैं जिसमें कि लोग यहाँ पे जॉब सीकर को जॉब मिलती है। और ये पॉपुलर डेजिग्नेशंस हैं यहाँ पे, जिस डेजिग्नेशन जॉब पे यहाँ पे टॉप डेजिग्नेशंस हैं जहाँ पे क्या नाम है लोगों को जॉब मिलती हैं। ये लोकेशन बेस यहाँ पे और ये जॉब बाय स्किल्स यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। तो आइए, अब तो मैंने आपको साइट का एक तरीके से ओवरव्यू जो है वो करवा ही दिया है, अब हम चलते हैं कि इसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे ये लॉगिन का बटन है और साथ में ये एक है फॉर एम्प्लॉयर, ये जो जिनको अपनी यहाँ पे जॉब जो है पोस्ट करनी होती है, रिक्रूटर्स के लिए होता है ये। तो हम इसमें ना जाके हम यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा इसको नीचे पे देखेंगे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे लिखा है न्यू टू मॉन्स्टर साइन अप। आप इसमें फेसबुक और गूगल अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, मगर हम आपको मैनुअली बताएंगे कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये एक पेज खुलता है जहाँ पे पूछता है कि टेल अस अ लिटिल डिटेल अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आप फ्रेशर हैं या प्रोफेशनल हैं। तो यहाँ प्रोफेशनल और फ्रेशर में बताया, तो हम आज इस पे जो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एज अ फ्रेशर जो है आपको क्रिएट करके बताएंगे कि फ्रेशर्स इस पे कैसे अपना जो अकाउंट है रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये पेज खुल गया बुल्ड माय प्रोफाइल का। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई एम अ फ्रेशर। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आई एम अ फ्रेशर और प्रोफेशनल के पेज रजिस्ट्रेशन पेज में
कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर तो नहीं है इस वाले पेज पे, आगे इसके पेज पे क्या नाम है डिफरेंस आएंगे। देखिए आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए कह रहा है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, और वहीं प्रोफेशनल में नहीं बताने के लिए कह रहा है। तो अब हम चलते हैं अपना जो ये फॉर्म है वो फिल करने। तो मैं फॉर्म फिल करने से पहले बता देता हूँ आपको, इसमें आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो रेडी करके रखिए। पर्सनल डिटेल लेने के बाद ये आपसे एजुकेशन डिटेल मांगेगा, उसके बाद आपकी जॉब प्रेफरेंस के बारे में पूछेगा कि आपकी जॉब प्रेफरेंस क्या है। तो आइए हम चलते हैं आपका फिल कर देते हैं फॉर्म। यहाँ फुल नाम पूरा नाम डालना है, प्रतीक गहलोत ये हमारे कलीग हैं, या मेल आईडी डाल दिया। मेल आईडी डालने के बाद अपना पासवर्ड डालिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना पासवर्ड जो है काफ़ी स्ट्रांग रखिएगा। यह पासवर्ड ही मैंने डाल दिया है। अब आपसे यहाँ पे आपकी करंट लोकेशन पूछ रहा है, तो आपकी करंट लोकेशन जो है वो आप डाल दीजिए। यहाँ मैंने अपनी करंट लोकेशन डाल दी। फिर यहाँ आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना CV यहाँ पे अटैच कर दीजिए। आप अपने CV अपना अटैच कर दिया है, और यहाँ पे आप अपने CV जो है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम कॉपी पेस्ट ना करते हुए हम अपना जो CV है वो हमने अटैच कर दिया है, जो कि मैंने PDF में कन्वर्ट करके रखा था। ये करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जी हम रजिस्टर इसके अंदर कर चुके हैं, और रजिस्टर करने के बाद जो है हम यहाँ पे अपनी एजुकेशन की डिटेल्स फिल करेंगे। आपकी जो भी हाईएस्ट यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10वीं 12वीं के लिए भी यहाँ पे जॉब जो है अवेलेबल है, उनका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो हम यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है, आप जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, तो आप ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करिए, आपको आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ग्रेजुएशन मैंने जो किया है वो यहाँ पे मिल गया है। फिर यहाँ पे आपने स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, तो आपकी क्या चीज़ की स्पेशलाइजेशन? आपने मैनेजमेंट, हम यहाँ पे मार्केटिंग डाल दे, मार्केटिंग में हमारी स्पेशलाइजेशन है, बट मैनेजमेंट ही बार बार सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक ही ऑप्शन है, ये ड्रॉप डाउन जो है। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है आपने किस यूनिवर्सिटी से जो अपना जो ग्रेजुएशन है वो किया था, तो आप डाल दीजिएगा। अब जैसे डालेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पे एक लिस्ट आ जाती है कि आपने कहाँ से जो अपना ग्रेजुएशन है वो कहाँ पे किया था। दिल्ली, ये तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद से पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन का जो टाइप था वो क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम है, कॉरेस्पॉन्डेंट, तो फुल टाइम था। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो वो है पासिंग ईयर कौन सा था, तो आप यहाँ पे अपना पासिंग ईयर आप डाल देंगे। तो यहाँ पे पासिंग ईयर डाल दिया। पासिंग ईयर डालने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ स्किल्स पूछ रहा है कि आपके क्या स्किल्स हैं, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिजिटल लिखा तो मेरे को नीचे सजेशन में ऑटोमेटिकली आ गया कि आप इसमें से सेलेक्ट कर दीजिए। ये मार्केटिंग सजेशन जो है यहाँ पे खुल गया है, तो आप यहाँ से आप इजीली जो है वो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो आपके स्किल्स हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस स्किल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्या नाम है आप अपनी एजुकेशन डिटेल कंप्लीट करते हैं, तो आप इस पेज पे आते हैं जहाँ पे आपसे सबसे पहले कहते हैं कि आप अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। ये पिक्चर जो है जो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे लगाई थी वो अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारी लोकेशन पूछ रहा है, प्रेफरेंस आपकी जॉब की जो प्रेफरेंस है वो क्या है वो आप बताइए। तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो है लोकेशन की, वो जॉब जो है दिल्ली में, या आपको कहीं और किसी भी स्पेसिफिक जगह के लिए जॉब चाहिए, दिल्ली, गुड़गांव और भी मुंबई में चाहिए या कहाँ चाहिए, आप वहाँ डाल सकते हैं।
हम यहाँ पे अपनी जॉब लोकेशन डालते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपकी क्या इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो मेरी जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग में, मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन में मेरी इंडस्ट्री रहे। मगर आपकी अगर किसी और चीज़ में अगर इंटरेस्ट है, जैसे कि इंटरनेट ई कॉमर्स है, कस्टमर सर्विस में आपको अगर मार्केटिंग करनी है, तो आप अपनी जो इंडस्ट्री है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंटरनेट ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री और आप भी एजुकेशन भी सेलेक्ट करें तो मल्टीपल जो है आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फंक्शन में आपसे फंक्शन पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना फंक्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे और भी फंक्शंस यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ट्रैवल एंड एयरलाइन भी हम देख सकते हैं मार्केटिंग के लिए। फिर जैसे जैसे हमारे को अगर इंटरेस्ट है और भी किसी इंडस्ट्री में या जॉब रोल में, तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे जो जॉब रोल पूछ रहा है, तो हम जो अपना जॉब रोल है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो हम यहाँ पे हमारा जो जॉब रोल है वो दिख देते हैं। तो अभी इस तरह से सर्च पे नहीं आ रहा है, तो हमें इसको मैन्युअली ही सर्च कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अपनी जॉब रोल जो है आप यहाँ पे फिर दोबारा से एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मल्टीपल जॉब रोल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, आपने अपना जॉब रोल जो है वो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जॉब डिजायर्ड जॉब टाइप क्या है, आप परमानेंट है, टेम्परेरी है या बोथ है। तो आप यहाँ पे परमानेंट पे सेलेक्ट कीजिए। और फिर डिजायर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, पार्ट टाइम चाहिए और सॉरी पार्ट टाइम चाहिए नहीं, यहाँ पे बोथ, हम बोथ पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्ट टाइम इशू कर रहा है, हमें फुल टाइम यहाँ पे चाहिए। बोथ पे हम लोग क्लिक करके आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद डिजायर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, तो वो है यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर तो उसके बाद हमारे से एडिशनल डिटेल पूछ रहा है, जहाँ पे हमारा जेंडर पूछ रहा है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो अभी इसे डाल देते हैं। और फिर यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, और फिर वो पूछ रहा है कि उसमें आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे इस तरह से डालेंगे। आप अपनी दूसरी लैंग्वेज, आपको और भी अगर लैंग्वेजेस आती हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट हमारे पास, मेरे को दो आती है, तो हम दो सेलेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ पे कंट्रीज ऑथराइज टू वर्क, आप किसकी अगर सपोज करो कि आप अदर स्टेट कंट्री में जाके भी जॉब करने के लिए ऑथराइज हैं, आपके पास परमिशन है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके, इसको क्लिक करके आप उस कंट्री का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास तो एक ही कंट्री है अभी, इंडिया, तो उसको डाल के यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कैटेगरी दी गई है, तो हम इस कैटेगरी में देखते हैं क्या है। इस कैटेगरी में पूछ रहा है कि आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप स्पेशली अभी एबल्ड हैं, अगर अब स्पेशली एबल्ड है, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ के यहाँ पे सबमिट का एक बटन है, सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आप जो monster.com अपने प्रोफाइल के आप एकदम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। डैशबोर्ड पे आने पर यहाँ पर जो है इस साइड में, तो हमको अभी इतना ही प्रोफाइल बनाने पर कुछ जो जॉब जो है यहाँ पे शो कर रही है, मगर हमें उससे पहले यहाँ पर आके पहले हमको अपने जो यहाँ पे आप देखेंगे 65% हमारा जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीट है। तो और यहाँ पे दिखाएगी अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे आके हम अपना प्रोफाइल जो है अपडेट कर सकते हैं। तो हम इसको एक नए टैब पे खोल लेते हैं और आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो हम जो नया टैब खोला है हम उस पर चलते हैं अपने प्रोफाइल को और भी अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है 65% आपका प्रोफाइल का जो स्कोर हो चुका है, और यहाँ पे चार चीज़ें जो है जो कि पेंडिंग है, जिनको करने से आपका जो प्रोफाइल है उतना परसेंट वेरीफाई होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी जो है आप अपनी वेरीफाई करेंगे, तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई का ईमेल आईडी पे दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पे ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी मेंशन
कीजिए। तो यहाँ पे मैं लाके जो है OTP डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो मेरी ईमेल पे जो OTP आया था वो मैंने पूरा जो OTP है यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो वेरीफाई का बटन है आप इस पे वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। और आप देखेंगे कि मेरे प्रोफाइल का जो स्कोर है वो भी अब बढ़ गया होगा। देखिए 72% हो गया। अब ये तीन जो है अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कराना, कोर्स एंड सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ डाल के जो आपने कभी अपने इंटर्नशिप या कॉलेज टाइम में कोई प्रोजेक्ट किया हो तो आप यहाँ पे उसको आप बताइए, अपडेट कीजिए। तो अभी हम वो नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो हम इसको जल्द से जल्द आपको बहुत कुछ बताना भी है। तो यहाँ पे आपने अपना रिज्यूम डाल दिया है, स्किल डाल दिया है, IT स्किल्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि आपके क्या क्या IT स्किल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कुछ स्किल्स दिए गए हैं, .NET ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मगर जैसे कि मैं अपनी एक स्किल डाल देता हूँ यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019 एक्सपीरियंस। आपको कितना एक्सपीरियंस है एक्सेल में आप वो डाल दीजिए, कितने महीने का, और इस पर अपडेट कर दीजिए। तो एक मैंने जो अपना IT स्किल है वो यहाँ पे डाल दिया है। और भी IT स्किल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया कैसे ऐड करना है। और फिर यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस में हमने अपनी जॉब यहाँ प्रेफरेंस डाल दी थी। तो आप कितने दिन यहाँ पे वर्किंग करना है तो आप यहाँ पे इसको एडिट करके आप यहाँ पे आके इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप उसको फुल टाइम कर सकते हैं, आप दिल्ली में ही हैं, दिल्ली में ही जॉब करना चाहते हैं, नहीं मैं नोएडा में भी अगर मुझको मिलेगा तो मैं कर लूँगा। नोएडा, गुड़गांव एंड गुरुग्राम हो गया इसका, चेंज हो गया। और फिर करेंसी यहाँ पे मेरे से पूछ रहे आर यू विलिंग टू वर्क वीक अ सिक्स डे अ वीक। तो आप यस यहाँ पे कर दिया। आर यू ओपन अ जॉइनिंग अर्ली स्टेज स्टार्टअप, यस। कोई अगर स्टार्टअप अगर अर्ली शुरू स्टार्ट हुआ है तो उसमें आप जाना जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जॉब प्रेफरेंस की वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। उसी तरह अपना कोई अगर एक्सपीरियंस है आपको काम करने का तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। और जैसे कि यहाँ पे एक मैंने इंफॉर्मेशन थी ग्रेजुएशन की, आप यहाँ पे अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास जितनी भी एजुकेशन की डिटेल है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं क्या नाम है इंटर्नशिप में या अपने कॉलेज टाइम में तो यहाँ पे आप अपडेट कीजिए। कोई कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप पर्सनल जो डिटेल्स है वो आप फिल कर दीजिए, आपका होम टाउन कहाँ है, जेंडर मैंने इसलिए डाल दिया है, पासपोर्ट नंबर तो उतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको रहने दीजिए। आप स्पेशली एबल्ड है या नहीं वो बता दीजिए, आप और भी कोई लैंग्वेज जानते हैं वो बता दीजिए, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे बहुत सारी कुछ डिटेल्स पूछी गई है वो आप भर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मुझको आपको बताना भी है कि इसके अंदर कैसे जॉब सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पे होम वर्क पे एक बार लोगो पे अगर आप इसके लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप एक होम पेज पे वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही इसका जो सर्च बार है वो है पेंड हो जाएगा। अब मेरे जैसे कि हमने डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफाइल बनाया था फ्रेशर के लिए तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब एक्सपर्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा है लोकेशन, हम यहाँ पे इसको डिजिटल मार्केटिंग ही रहने देते हैं। और फिर यहाँ पे डालते हैं जो जिस लोकेशन में मुझे जॉब चाहिए और मेरे पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मुझको आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फिल्टर आएगा कि आपको कितने सर्च क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट टाइप टॉप कंपनीज फंक्शन रोल इंडस्ट्री करके कई सारे फिल्टर्स आएंगे। तो हम इसको अपने आगे वाली वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के लिए एक जॉब आई हुई है, एकेडमिक कंसल्टिंग लर्निंग लीडर्स पुणे, यहाँ पे बहुत सारी जो जॉब जो है आपने सर्च जब की तो आपको यहाँ पे बहुत सारी जॉब जो है दिख गई।
तो उन जॉब पे अप्लाई करेंगे कैसे? जैसे कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप है वेस्ट दिल्ली में द्वारका मोड, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक नए टैब पे वो जॉब जो है खुल गई है। तो आप यहाँ पर उस जॉब में आ गए हैं, तो इसमें जॉब की इंफॉर्मेशन दी है, वो दिल्ली में जॉब है और यहाँ पे जो टोटल व्यूज ये सारे हैं, तो जॉब आई डी वगैरह क्या ये तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जॉब की जो वो डिस्क्रिप्शन दी गई है, एक्सपीरियंस लिखा है फ्रेशर हो, ड्यूरेशन 2 से 3 महीने का, अगर इसके अंदर ये इंटर्नशिप को यहाँ पे हायर कर रहे हैं तो हमें इंटर्नशिप के लिए नहीं देखना है। तो हम वापस चलते हैं अपने पेज पे और हम दूसरे पेज पे देखते हैं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे एक ये पोस्ट निकाली गई है, इसको देखते हैं कि यहाँ पे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये खुल गया है, तो ये दिल्ली गुड़गांव में है, ये यहाँ पर जॉब की डिस्क्रिप्शन दी गई है और यहाँ पे जॉब डिटेल, इंडस्ट्री, रोल क्या रहेगा आपकी, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन चाहिए, अबाउट, तो थोड़ा सा यहाँ पे अबाउट में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए, अगर आपको स्किल से ये मैच करती है जॉब तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा जॉब अप्लाई, यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन, तो आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है जॉब के लिए। तो इसी तरह आपको क्या नाम है, और भी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और उनसे, और जब भी आपके पास उनका कॉल आए और आप अपनी जॉब जो है इंटरव्यू देके क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि mosterindia.com पे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे प्रोफाइल बनाएंगे और कैसे जॉब सर्च करेंगे और जॉब अप्लाई करेंगे। तो सर दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमें उम्मीद है कि नितिन द्वारा समझाया गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है या सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम आपको उस पर वीडियो बनाकर आपके सवाल का जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये लिखकर भेजें कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद आया, और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसका ध्यान रख सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पर आपको जॉब पोर्टल रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही जब भी हम अपलोड करें तुरंत मिल जाए। तो एक और रिक्वेस्ट है कि चूंकि ये जॉब हमारा हेल्प करने का मकसद है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश में जॉब की जानकारी हो सके, जॉब मिल सके, वो कोई काम कर सके, वो एम्प्लॉयड हो सके, उनका कैरियर इंप्रूव हो सके। तो जो कोई भी आपके दोस्त या ऐसे लोग हैं जिनको की जॉब की आवश्यकता है, उन्हें आप हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके।